गोगुंदा थाना परिसर में सीएलजी सदस्यों की बैठक हुई आयोजित। आपसी सौहार्द और शांति व्यवस्था बनाने कर लेकर हुई चर्चा। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना परिसर में सीएलजी सदस्यों की बैठक उपकरण अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें आने वाले आगामी त्यौहार को आपसी स्वार्थ और शांति व्यवस्था के साथ कानूनी व्यवस्था बनाए रखने पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान गोगुंदा उपखंड अधिकारी हनुमान सिंह राठौर ने कहा कि होली के रंग में किसी को तनाव नहीं हो, इसका पूरा ध्यान रखकर ही त्यौहार मनाए। किसी भी घटना और आवश्यक जानकारी से प्रशासन को अवगत कराए। वही DYSP भूपेंद्र सिंह ने आगामी त्यौहारों पर आपसी सौहार्द व शांति कानून व्यवस्था बनाए रखने के बारे में जानकारी दी। वही आगामी होली, धुलेंडी, ईद उल फितर, बरावफा त्यौहार में आपसी सौहार्द भाईचारे के साथ त्यौहार मनाने के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि DJ बजाने वालों के DJ जब्त करते हुए उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। थानाधिकारी अनिल बिश्नोई ने बताया कि थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव में संदिग्ध गतिविधियों के तत्काल प्रभाव से पुलिस को सूचित करने सहयोग करने की अपील की और होली व आगामी के सभी त्यौहार को शराब का उपयोग नहीं करने और शराब पीकर वाहन नहीं चलाने की अपील की। बैठक के दौरान ग्रामीणों ने बस स्टैंड पर यातायात व्यवस्था को लेकर थानाधिकारी को अवगत कराया। इस दौरान बैठक में गोगुंदा सरपंच कालूलाल गमेती, जाडोली सरपंच पद्माराम बील, उप सरपंच लालकृष्ण सोनी काजबा, सरपंच अंबालाल गमेती, वार्ड पंच ओम सिंह राजपूत, हिम्मत खटीक, हरी सिंह झाला, शब्बीर खान, गोविंद राजपूत, कैलाश लोढ़ा, हरमत सिंह झाला, पप्पू सिंह सहित कई सदस्य मौजूद रहे। मैडम सर आएंगे।